हेलो एवरीवन वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा माय नेम इज विनय जोशी एंड इन वी टूडे सी हाउ वन शुड अप्रोच जोग्राफी फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ पीसेस एग्जामिनेशन व्हेन वी से हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द जोग्राफी तो हमने देखना है कि प्रीलिम्स में और मेंस एग्जामिनेशन में क्या कमीशन ने सिलेबस को प्रपोज किया है और उस प्रपोज सिलेबस में से Prelims में पहले कितने सवाल आए हैं मेंस में कितने सवाल आए हैं सो डेट वी गेट अ फेयर कि ज्योग्राफी की वेटेज एंड मेंस एग्जामिनेशन में कितनी अप्रोच करना है या किस डेप्थ तक पढ़ना है एंड वट आर कवर वाई प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी हाउ फॉर एनसीआरेशन तो इन सारे ही पहलुओं पर आज हमने एक डिस्कशन करनी है और सो डेट यू गुड गेट अ फेयर आइडिया अगर हमें पीसीएस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है तो जोग्राफी प्रीवियसली इस प्रकार से पूछी गई है इस जो सेशन आज हम कंडक्ट करेंगे इस सेशन से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट में पीसीएस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है प्रीवियस ईयर आए हुए प्रीलिम्स एंड मेंस के ज्योग्राफी के क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है और यह दिखा रखा है कि कितनी मात्रा में वट इज द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन हैज पुट अप इन एंड एग्जामिनेशन तो यह डिटेल डॉक्यूमेंट है हमारी ऐप पंजाब सक्सेस मंत्रा में भी इस वीडियो सेशन के रिगार्डिंग ये जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर किया जाता है तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप लोग साइन अप कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल को सो so डेट आपको इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो हम लोग शेयर करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते जाए जैसा कि मैं अपने कई सेशन में आप लोगों से बता भी चुका हूं कि दीज आर दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ये वे एग्जामिनेशन नहीं है जहां केवल नॉलेज आपको गो थ्रू करवा देगी दीज आर दी सेट ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच का मतलब है कि कुछ लोग इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट सेकंड में भी क्वालिफाई करते हैं और कुछ थर्टी के बाद 6, 6, 7, 7, 7, 7 साल के बाद भी क्वालिफाई करते हैं तो मींस जो लोग स्मार्टली इसको अप्रोच करना जानते हैं कि पीसीएस में किस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट को पहले हम डिस्क्रीट फॉर्मेट में डिवाइड करें और फिर हर सब्जेक्ट की एक रणनीति बनाए एक स्ट्रैटेजी बनाए सो so डेट हम उस सब्जेक्ट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में मिनिमम एफर्ट के साथ बहुत इफेक्टिवली कवर करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने साल इस एग्जामिनेशन में देने वाले हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो सिंस वी हैव बीन टीचिंग इनटू दिस फील्ड फॉर लाइक सेवन टू एट इयर्स तो हमने अपने अनुभव से ये देखा और सीखा कि कैसे मिनिमम पॉसिबल एफर्ट और टाइम के साथ किसी भी विद्यार्थी का कैंडिडेट का इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवाया जा सकता है चलो लेट्स बिगिन विद द विद्योग्राफी जो कमीशन ने ज्योग्राफी का सिलेबस प्रपोज किया है उस सिलेबस के अंतर्गत अगर ज्योग्राफी को डिवाइड करना पड़े तो हम तीन ब्रॉड फीचर्स में ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं एक फीचर है ज्योग्राफी का जिसको बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी का अर्थ है कमीशन के प्री और मीन्स के सिलेबस के मुताबिक जो कि डॉक्यूमेंट आपका इंसान टेलीग्राम पे शेयर किया जा रहा है जिसका लिंक दिया है फिजिकल ज्योग्राफी के मुताबिक कि अगर हमें जो भी फिजिकल एस्पेक्ट इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं अगर हमें धरती दिखाई दे रही है बादल दिखाई दे रहे हैं पहाड़ दिखाई दे रहा है समंदर दिखाई दे रहा है तो ये जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ जोग्राफी है इन सबकी अगर साइंटिफिक स्टडी की जाए रीजन ऑफ फॉर्मेशन हम समझें क्लाउड्स का लैंडफॉर्म्स uh, का हिल्स का माउंटेन का या ओशंस का ओशन्स में होने वाले बदलाव को डायमिजम को सर्कुलेशन को अगर अध्ययन करें तो हम बोलेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ाई कर रहे हैं अगर इंडिया के कंटेक्स में बात करें अगर मैं माउंटेन सिस्टम इंडिया का जैसे कि आपको पता है हिमालयाज हैं साउथ वेस्टर्न घाट है ईस्टर्न घाट है डेकन प्लेट्यू है, है अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट आईलैंड ग्रुप हैं तो उन सबका अगर फॉर्मेशन को अध्ययन करें उनके अभी करंट सिचुएशन और एस्पेक्ट्स को अध्ययन करें तो हम बोलेंगे हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं तो इसलिए ज्योग्राफी का एक बहुत अहम पिलर है जिसको बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी दूसरा जो कमीशन ने सिलेबस दिया है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है एक है ह्यूमन एक है ज्योग्राफी अभी तक ज्योग्राफी का मतलब हम फिजिकल एस्पेक्ट को ही समझते थे लेकिन जब ज्योग्राफी डिसिप्लिन के डायमेंशन को थोड़ा और वाइड किया गया तो हमने बोला कि ये जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं किस प्रकार से ह्यूमन के ऊपर प्रभाव डालते हैं उसको बोला जाता है ह्यूमन जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इंडिया में उस पर्टिकुलर जोन में रहता हूं जहां का क्लाइमेट सब टेम्परेट जहां का क्लाइमेट वार्म टेम्परेट है या सब ट्रॉपिकल है जैसे हम चंडीगढ़ में हैं जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है तो यहां पे थोड़ी सर्दियां हैं और गर्मियां हैं ऐसे क्लाइमेट में जनरली लोगों का जो फिजिक फेशल फीचर है रेशियल फीचर्स हैं वो वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है अगर वे लोग जहां पे मॉइस्ट और हाई टेम्परेचर थ्रू आउट दर वहां पे लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो इस तरह से जॉग्राफी के फिजिकल एस्पेक्ट दैट इज क्लाइमेट आपके किस प्रकार से रेस को डिवाइड डिसाइड करेगा आपके कॉम्प्लेक्शन और कलर को डिसाइड करेगा ऐसे ही ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्न करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जैसे ये एक केरला का हमने एग्जाम्पल लिया है केरला हिंदुस्तान के इस कोने में है केरला के साथ क्या है यहाँ पे सी कोस्ट है और साथ ही साथ सी कोस्ट होने के साथ इसके जो लैटिट्यूड है वहां पे टेम्परेचर हॉट है और पूरे साल क्योंकि सी कोस्ट है तो क्लाइमेट ह्यूमिड है मींस पूरे साल तकरीबन ह्यूमिडिटी हाई है रेनफॉल हाई है ऐसे क्लाइमेट में अगर इस व्यक्ति का पहनावा देखा जाए तो ही विल वियर कॉटन तो ऐसा व्यक्ति कॉटन पहनेगा क्योंकि वहां के क्लाइमेट के हिसाब से हॉट एंड ह्यूमिड में कॉटन सबसे सुटेबल है दूसरा अब क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होने वाली क्रॉप होती है राइस तो ये राइस ईटिंग करेंगे तो आप देखो जोग्राफी का पहले तो क्लोदिंग के ऊपर दूसरा आपके फूडिंग के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है कि आप राइस खाएंगे लेकिन मैं यहां पंजाब में रहूंगा तो मैं वीट खाऊंगा तो पंजाब में राइस कंजप्शन ज्यादा नहीं है वीट कंजप्शन ज्यादा है दूसरा यहां पे फिश कल्चर ज्यादा है क्योंकि सी कोस्ट है तो ये राइस के साथ फिश खाएंगे हमारे वहां फिश नहीं खाते क्योंकि इनलैंड एरिया है तो हमारे वहां कॉन्सेप्ट होगा अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट लेनी है तो वी विल गो फॉर चिकन एंड मटन तो इस तरह से आपका जो फूडिंग पैटर्न है वो आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिवाइड डिव, डिपेंड कर रहा है या आपकी इस पे डिपेंड कर रहा है कि वहां का क्लाइमेट किस प्रकार से तो आप देखिए ज्योग्राफी इज हैविंग अ इन हैविंग एन इनडेलिबल इंप्रिंट्स ऑन यू कि वो ना मिटाए जाने वाले कुछ निशान आपके ऊपर छोड़ जाता है तो इस हिसाब से हम कहते हैं ज्योग्राफी इज गोइंग टू गवर्न ह्यूमन डायमेंशन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर देखा जाए क्योंकि ये उन जगहों पर लोग रहते हैं जहां पर कोस्ट है केरला की हम बात कर रहे हैं तो दे विल गो फॉर फिशिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मोर ओवर एवरी क्लाइमेट इज गुड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज देयर दे आर गोइंग टू गो दे आर गोइंग टू हैव ट्रॉपिकल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर तो आप देखो इनका एग्रीकल्चर है वो भी ट्रॉपिकल तो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जहां हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी है तो ये लोग टी फार्मिंग करेंगे ये लोग स्पाइसेस लगाएंगे रबर फार्मिंग करेंगे कोकोनट फार्मिंग करेंगे दूसरी तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं ये है लेह लद्दाख एंड लाहौल स्पीति के एरियाज जो कोल्ड डेजर्ट है यहां पर क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है क्लाइमेट इज कोल्ड और रेनफॉल नामात्र के बराबर है तो ऐसी जगहों पर फूडिंग पैटर्न क्लोथिंग पैटर्न देखो शॉल आ जाएगी एनिमल्स चेंज हो जाएंगे क्रॉपिंग चेंज हो जाएगी तो मींस ह्यूमन पे होने वाले ज्योग्राफी के प्रभाव बदल गए हैं तो ह्यूमन के रहन सहन सोचने का तरीका भी बदल जाएगा तो दिस इज दिंग तो दिस इज हाउ जोग्राफिकल फीचर आर गोइंग टू गवर्न द्यूमन डायमेंशन एज वेल तो इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी का एक अहम हिस्सा है तो कमीशन के द्वारा प्रपोज सिलेबस है तो कमीशन कहता है आपने फिजिकल जोग्राफी भी पढ़ना है ह्यूमन भी पढ़ना है ये दो हैं इन दोनों को मिला के बोला जाता है ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बात बताई कि फिजिकल का ह्यूमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट जब इंडिया में अप्लाई करोगे तो हम बोलेंगे इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी तो कमीशन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन पुट अप फ्रॉम द डोमेन ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी तो इस तरह से ज्योग्राफी को कमीशन ने बोला आप अप्रोच करो तो कमीशन ने अपने प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कुछ इस के इस तरीके से ही आपके सामने रखा है तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग तो टू अप्रोच ज्योग्राफी अब हमें समझ आ गया कि भाई ज्योग्राफी के तीन डायमेंशन है इनको कवर करना होता है जब हम ज्योग्राफी को पढ़े दूसरी बात अब ज्योग्राफी जो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी पूछी कहां पर जाती है आपका प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का पेपर है जिसके अंदर ज्योग्राफी एक पार्ट आता है या प्रीलिम्स में ज्योग्राफी पूछा जाता है प्रीलिम्स में आपके जीएस में सौ सवाल आते हैं

वहां पे जीएस वन के अंदर तीन सब्जेक्ट होते हैं एक होता है हिस्ट्री एक होता है इंडियन सोसाइटी एक होता है ज्योग्राफी कमीशन हर बार ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से कॉम्पोजिशन करता है और तीने हुई सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देता है तो ज्योग्राफी की यहां पर वेटेज निकलती है सेवनटी टू सेवनटी मार्क्स तो मीन्स ज्योग्राफी जीएस वन का वन थर्ड पोर्शन को कवर करता है तो हमारे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से या मेंस के दृष्टिकोण से ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है तो जब हम ज्योग्राफी को अप्रोच करेंगे हमने क्या देखना है कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करनी है और इंडिया के फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी करनी है आज जैसा कि समय बदल रहा है तो हम देखते हैं कि लगातार तेरह पंद्रह 18 और 20 में ज्योग्राफी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है पर्टिकुलरली जब हम 2020 का पेपर देखते हैं ये थोड़ा सा टफर साइड में था और यूपीएससी का टिंज था उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो तो ज्योग्रफी के क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड पर चले गए चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस एग्जामिनेशन वो इनके क्वेश्चन मैंने आपको बताया है टेलीग्राम पे हमने डॉक्यूमेंट शेयर किया भी हुआ है तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमने देखना है किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए तो जोग्राफी के लिए मैं बोलता हूं जिस प्रकार से बेसिक्स के लिए आप अब जो मैं बताऊंगा कि हमने एनसीईआरटी पढ़नी है बट एनसीआर इन कैरेक्टर आप इन एन सी आर टी को पढ़ के ये मत सोचिए कि आप पेपर में बैठने जाएंगे और आपके पढ़े में से सवाल आएगा क्योंकि आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो यह सोचना गलत है तो एनसीआर टी आर देशिक फाउंडेशनल ब्लॉक बट इन एनसीईआरटी से पेपर आएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है ऑलराइट राइट right? तो आपने क्या करना है बेसिक्स के लिए देता हूं उसके बाद हम एडवांस लेवल पे देखेंगे ज्योग्राफी को किस प्रकार से अप्रोच किया टेंथ और ट्वेल्थ की, पढ़ लेकिन मैं बोलता हूं, 10th और 12th की आपको इजीली समझ नहीं आएंगी क्योंकि की कुछ एनसीआर जो पेपर से इंपॉर्टेंट है वो नीचे वाली छोटी क्लासेस में भी दी हुई है तो एनसीआर से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना उस हिसाब से हमने एनसीईआरटी में देखना है कि सिक्स सेवंथ एथ क्लास की जो एनसीआर है बेसिक एनसीईआरटी बस आपके बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी जैसे सोलर सिस्टम क्या होता है अर्थ कैसे बनी है एयर एक कंपोनेंट है वाटर एक कॉम्पोनेंट है लिथोस्फेयर एक कॉम्पोनेंट है इस तरह से बेसिक्स के बारे में बात करी है All right, दूसरी बात करी है कि जब हमने एक बेसिक एनसीआरटी सिक्स सेवंथ एट्थ की पढ़ ली जो आप समझ लीजिए सिक्स क्लास में बच्चा 11 साल का होता है तो 11 से 14 वर्ड्स के लिए लिखी गई बच्चे की एनसीआरटी बहुत बेसिक है फॉन्ट साइज भी बड़ा है पतली एनसीआरटी है आप दो दो घंटे में इन एनसीआरटी को वाइंड अप कर सकते हैं फिर आती है थोड़ी सी एडवांस एनसीआरटी अब मैंने बताया एनसीआर का एक एस्पेक्ट है जिसको बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी जब फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप फिजिकल ज्योग्राफी दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे एक एस्पेक्ट होगा जैसा कि मैंने बताया कॉन्सेप्चुअल होगा दूसरा एस्पेक्ट होगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपने ग्यारहवीं ध्यान से सुनिए ग्यारहवीं क्लास की एनसीआरटी पढ़नी है जिसका नाम है आगे मैं इमेज दिखा दूंगा फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी तो आपने ग्यारहवीं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दूसरी आपने पढ़नी है जब आप फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट सेट हो गए ये ग्यारहवीं क्लास के एनसीआर टी ग्यारहवीं में दो एनसीआरटी एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये फिर आपने ग्यारहवीं क्लास की एनसीआरटी इंडिया को समझने के लिए पढ़नी है जिसमें इंडिया के माउंटेन सिस्टम है इंडिया की नदियां हैं इंडिया के प्लेट्यूज हैं इंडिया के सॉइल सिस्टम दे रखा है वेजिटेशन दे रखी है क्लाइमेट दे रखा है इंडिया के जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं

कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्या है जैसे क्लाइमेट से किस प्रकार से लोगों का पहनावा कनेक्टेड है किस प्रकार से जोग्राफी का लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी पे प्रभाव पड़ता है तो यह है कॉन्सेप्ट किस प्रकार से दुनिया में एग्रीकल्चर किया जाता है कैसे दुनिया के फिजिकल फीचर्स एग्रीकल्चर को गवर्न करते हैं कैसे ज्योग्राफी ये डिसाइड करेगी कि लोग कहां पे माइनिंग करेंगे कहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट के लिए आपने बारहवीं क्लास की एनसीआर पढ़नी है एनसीआरटी का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ठीक है तो ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है दूसरी बात अब जब आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो आप उसको इंडिया में अप्लाई करते हैं इंडिया में अप्लाई करने की दो किताबें हैं क्लास दस और क्लास बारह आप देखो कॉमन नौवीं के साथ ग्यारहवीं सिंह दसवीं के साथ बारहवीं सिंह बोर्ड क्लास एक साथ रखी गई है इसमें इंडिया वर्ल्ड की इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी दी हुई है

तीसरी बात कि ज्योग्राफी पढ़नी कहां से है पढ़नी कहां से एन से पढ़नी है इस प्रकार से पढ़नी है प्रकार से पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमने छोटे बच्चों की तरह छठी से बारहवीं एक साथ नहीं पढ़ लेनी हमने बेसिक एनसीआर निकाली छठी सातवीं आठवीं फिर हमने देखना अच्छा एक ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी जिसको वर्टिकली सर ने लिंक किया है कि नाइन्थ और इलेवंथ की एक साथ पढ़नी है उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेने ग्यारहवीं

बहुत पतली पतली एनसीआर आप समझ लीजिए ग्यारह साल से और चौदह साल के बच्चे के लिए लिखी गई होंगी तो कितनी ही कठिन होंगी फिर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आठवीं क्लास की एनसीआर है बेसिक्स उसके अलावा जब मैं कहता हूं फिजिकल ज्योग्राफी तो आपने पढ़नी है देखो ग्यारहवीं क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें कॉन्सेप्ट है तीन कॉन्सेप्ट है पूरे अर्थ का क्लाइमेट कैसा है पूरे अर्थ की जियोमोर्फोलॉजी मीन धरती कैसी है पूरे अर्थ में ओशन किस प्रकार के तो तीन फिजिकल फीचर हैं तीनों के ऊपर चैप्टर दिए गए उसके बाद जब हम एक बार पूरी दुनिया के कॉन्सेप्ट को समझ गए हम चलो उन कॉन्सेप्ट को हिंदुस्तान में अप्लाई करते हैं और उसके लिए हमारे पास नाइन्थ क्लास की एनसीआरटी और क्लास की दूसरी एनसीआर ग्यारहवीं में दो है वाली इसका नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट और एक है नौवीं क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट वन तो इन तीनों एनसीआरटी को एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ा जाता है साथी right, जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैंने बताया फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बारहवीं क्लास की एनसीआरटी आप पढ़ेंगे इसी का एप्लीकेशन हिंदुस्तान में जब देखा जाएगा तो दसवीं और बारहवीं की दो एनसीआरटीज है इन दोनों को एक साथ पढ़ा लेंगे तो ऐसे हम एनसीआरटी को शब्द याद रखिए वर्टिकल लिंकेजेस के द्वारा अप्रोच करेंगे ऑलराइट right, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच ज्योग्राफी सेकेंडली अगर ज्योग्राफी को अप्रोच किया जाता है जैसे मैं इंडेक्स की मैं बात करता हूं देखो ग्यारवी क्लास की एनसीआरटी और नौवीं क्लास की एनसीआरटी जो फिजिकल फीचर है बिल्कुल सेम इंडिया ग्यारहवीं में दे रखा है इंडिया लोकेशन अगर आप दस नौवीं देखेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन फिर नौवी में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ड्रेनेज ऑफ 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 इंडिया 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 क्लाइमेट क्लाइमेट नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन तो ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी तो बिल्कुल सेम सिलेबस है इसलिए नौवीं और ग्यारहवीं क्लास की एनसीआरटी को एक साथ पढ़ने को क्या बोलेंगे वर्टिकल लिंकेजेस बिटवीन एनसीआरटी कि इनको एक साथ ही पढ़ना चाहिए ताकि आपकी एफिशिएंसी के साथ अप्रोच अच्छी हो जाए राइट right, चलो जी अब बारहवी क्लास की और दसवीं क्लास की एनसीआरटी में देखो सेम चैप्टर की आपके रिसोर्सेज दे रखे हैं ठीक है ये के साथ मैंने एक लिंक बनाया है ये वाला लिंक आप देखो दसवीं और बारहवीं के साथ है कि रिसोर्सेज 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 का chapter, का chapter, का chapter, का चैप्टर 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 एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आपका वाटर मिनरल रिसोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज तो ये सारे सब चैप्टर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और वो सेम है तो हमने एनसीआरटी को वर्टिकल लिंकेजेस के द्वारा अप्रोच करना है पहली बात अब एडवांस किताबें कौन सी हैं देखो जोग्राफी समझने के लिए बहुत एक कोई एक किताब के अंदर जोग्राफी पूरी तरीके से नहीं दे रखी फिर भी जो मैं अपनी तरफ से एक आ, एक बुक है जो मैं आपको प्रपोज करता हूं आप ये मत सोचिए उन किताबों से आपका प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन से सवाल आएंगे क्योंकि सवाल बहुत डायनामिक हो गए हैं अब वो किताबों से नहीं आते ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन होता तो मैं कहता है एक एनसीईआरटी पढ़ लो दूसरा एक और कुंजी पढ़ लो या कोई और बुक पढ़ लो वहाँ से बोर्ड एग्जाम आ जाएगा ये है यूपीएससी या पीसीएस का के एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन नया फ्रेम होता है डायनामिक होता है क्योंकि ये जॉब्स थोड़ी डायनामिक है तो यहाँ पे क्वेश्चन के आप किताबों से आएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है जनरली इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो क्लास नोट्स हैं वो यहाँ पे रेलिवेंट है या जहां पर भी आप पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं वहां के नोट्स रेलिवेंट हो सकते हैं तो ये वीडियो का मकसद है कि आपको ट्रूली गाइड किया जाए कि आपने अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है तो किस लेवल तक सेल्फ स्टडी करनी है उसके बाद अगर किसी और पे निर्भर करना है तो कहाँ पे निर्भर करना है फिर भी मैं दो किताबों के नाम यहाँ जोग्राफी के लिए सजेस्ट कर देता हूँ एक किताब का नाम है जी सी लिया बहुत पॉपुलर किताब है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन इसको प्रिंट करता है इसमें फिजिकल जोग्राफी दे रखी दूसरी ये किताब मैं बोलता हूं डी आर खुल्लर डी आर खुल्लर एक फेमस जोग्राफर हैं और इनकी कई सारी पब्लिकेशन में किताबें आती हैं किताब है। ऑप्शनल के मेजरलीकेशन का नाम है जी के पब्लिकेशन इस डी आर खुल्लर जी के पब्लिकेशन की किताब में से जो किताब का नाम है उसका नाम है इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी इस किताब को आप लोग ले सकते हैं इस किताब से आपके ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी रेलिवेंट किताब है तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जोग्राफी में क्या सिलेबस है किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं या आ रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीआरटी कितनी हेल्प करेंगी और एडवांस किताब कितनी हेल्प करेंगे ठीक है मेंस में ये दोनों ही किताबें बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगी क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डायनामिक अखबार भी पढ़ना है कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना है और नए क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन को करने की आदत डालनी है ऑलिट एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बहुत सरल क्वेश्चन पंजाब में आए हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है 2013, 15 और 18 में तीन बार जब पीसीएस हुआ उसके बाद जब 2020 में पीसीएस हुआ यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है 2020 का पीसीएस ऑलमोस्ट यूपीएससी कैलिबर का था तो जो लोग पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं उनको एक सुझाव भी दूंगा कि अब यूपीएससी भी साथ में तैयार करते रहिए क्योंकि ये दोनों एग्जामिनेशन अब ऑलमोस्ट एक कैलिवर के ही होते हैं जनरली पीसीएस मेरे जितने भी स्टूडेंट पुराने सेलेक्ट भी हुए हैं वो सब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जैसे पीसीएस आया उन्होंने भरा और 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 पेपर दे दिया और उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि केवल पंजाब जी के एक्स्ट्रा पढ़ना था तो यूपीएससी पीसीएस में काफी क्लोज कनेक्शन है तो हम जब तैयारी करें तो हम दोनों को ही दृष्टिकोण में रख के तैयारी करेंगे ऑलैक्ट एक छोटा सा सवाल है एडम्स एक एडम्स ब्रिज है राम सेतु हिंदी में बोलते हैं एडम्स ब्रिज स्टार्ट एट आप अगर थोड़ा सा भी जोग्राफी जानते हैं तो इंडिया के एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है पंबन आइलैंड या इसको बोला जाता है रामेश्वरम आइलैंड और इसी के बाद श्रीलंका है इन दोनों को कनेक्ट करता है जो हम कहते थे प्राचीन में रामचंद्र जी ने एक समुंदर एक सेतु बनाया था राम सेतु हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज ये एडम्स ब्रिज इस पंबन आइलैंड से शुरू होता है क्वेश्चन है एडम्स ब्रिज स्टार्ट एट पंबन आइलैंड भी दिए हुआ इसी पंबन आइलैंड को रामेश्वरम भी बोला जाता है लेकिन इन दोनों से स्टार्ट नहीं होता यहां पे एक लास्ट पॉइंट है एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है धनुष कोड़ी इस धनुष कोड़ी से एक्टली exactly शुरू होता है तो एग्जैक्टनेस पूछी गई है तो हम यहां पे राइट आंसर विल सरल सवाल है कोई कठिन सवाल नहीं है हर कोई जहां पर भी आप पढ़ेंगे या कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा ये जरूर पढ़ा होगा दूसरा सवाल बहुत सरल सा है शेल एक शेल गैस होती है शेल फ्रॉम विच शेल गैस इज प्रोड्यूस इज अ टाइप ऑफ तो शेल गैस आपको पता है जमीन के नीचे से निकाली जाती है और शेल गैस जनरली हम कई बार पढ़ते हैं शेल गैस नेचुरल गैस हमेशा सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही सेफ होती है तो शेल इज वेरिएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक तो इस प्रकार के सवाल आए हुए थे सरल ये सवाल हैं कठिन नहीं है ठीक है तो आपने इस प्रकार के सवाल सरल भी करने हैं कठिन भी करने हैं ताकि जैस प्रकार का 2020 में पेपर आया है वो पेपर आप इजीली टेकल कर पाए इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की समस्या है हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है हमारा टेलीग्राम का लिंक शेयर है जहाँ पे आप किसी भी प्रकार के नोट्स हमारे जो मिल रहे हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी ऐप सिविल पंजाब सक्सेस मंत्रा को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कई सारे फ्री इनिशिएटिव हैं उनका लाभ उठा सकते हैं ऑल चलिए थैंक्स अलॉट